हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का इलाहाबाद एक्सप्रेस में स्वागत है। आज 10 जुलाई है और 10 जुलाई से हम लोग अत्यंत ही महत्वपूर्ण एक प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रीलिम्स हंट और इसके तहत हम लोग हिंदू और पीआईबी में जो न्यूज आ रहे हैं उस पे हम क्वेश्चन फ्रेम करेंगे और उस क्वेश्चन को हम आपके सामने पेश करेंगे। आपका काम सिर्फ ये देखते जाना है। आप यकीन मानिए, जब आप देखते हुए जाएंगे तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा कि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा, अरे ये तो वही क्वेश्चन आ गया जो हमने वीडियो में देखा था। तो यकीन मानिए कि पीआईबी और जो हिंदू है, हम लोग बार बार पढ़ते हैं लेकिन कभी उस पर क्वेश्चन फ्रेम नहीं करते। मैं तो कहूँगा आप खुद फ्रेम कीजिए और उसके बाद हमें कमेंट कीजिए। आप एक काम करिए, आप एक कलम लीजिए और कॉपी लीजिए। आप जो मैं क्वेश्चन बोलूँगा आप उसका आंसर कीजिए और फिर जितने क्वेश्चन सही होते हैं, है ना, उसका आप ईमानदारी से जो है कमेंट कीजिए। तो आइए, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ये, चूंकि एनआईए के ऊपर द हिंदू 10 जुलाई में बिल्कुल फ्रंट न्यूज है एनआईए का, तो एनआईए पे प्रश्न पूछ सकता है आपका यूपीएससी। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन सेट कर दिया इसके ऊपर। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग रिगार्डिंग एनआईए इज करेक्ट। एनआईए से संबंधित कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए है, इट केम इन टू एग्जिस्टेंस आफ्टर 26/11 अटैक। इसका अस्तित्व 26/11 अटैक के बाद आया। ऑप्शन बी है, इट डज नॉट नीड स्पेशल परमिशन फ्रॉम द स्टेट्स टू डील विथ टेररिज्म। आतंकवाद से निपटने के लिए इसे राज्यों से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। और सी, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। तो चलिए बताइए, इसमें से आपके पास चार ऑप्शन, तीन ऑप्शन हैं और आपके ऑल्टरनेटिव्स दिए गए हैं चार, 1, 2, 3, 4। तो आपको बताना है ए सही है कि बी सही है। ठीक है, कि थर्ड में आप देख रहे हैं ए बी सही है। ठीक है, कि आपका फोर्थ ए बी सी, तीनों सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है फोर्थ, है ना, इसका सही आंसर फोर्थ। ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब अच्छा, इसकी कटिंग देख लीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कटिंग जो है एनआईए पे चूंकि आया था इसलिए मैंने इस पे क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। चलिए प्रश्न संख्या दो पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, रिगार्डिंग आईसीएमआर विच इज करेक्ट। आईसीएमआर से संबंधित कौन सा सही है? पहला है, इट वॉज नॉन एज IRFA प्रीवियसली, इसे पहले हम IRFA के नाम से जानते थे। ऑप्शन टू है, डॉक्टर सी जी पंडित वॉज अपॉइंटेड एज फर्स्ट फुल टाइम सेक्रेटरी ऑफ IRFA इन जुलाई 1948। जुलाई 1948 में IRFA को हैंडल करने वाले जो फुल टाइम सेक्रेटरी थे वो डॉक्टर सी जी पंडित थे। ऑप्शन थर्ड है, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडीज इन द वर्ल्ड, यह जो है आपका सबसे पुराना मेडिकल रिसर्च बॉडीज है पूरे संसार में। ऑप्शन थर्ड कह रहा है। ठीक है, तो चलिए बताइए इसमें से कौन सा सही है, आपका ए बी सी और डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो बच्चों इसका सही आंसर है आपका, इसका सही आंसर है सी। आपका 1, 2 और 3 तीनों सही है। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें तो सारे सही आ रहे हैं, तो ठीक है, आज पहला दिन है 10 जुलाई का, तो आज जो है हम बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न सेट किए हैं, ऐसे ही उसका आंसर भी सेट किए हैं कि ताकि हम आपको एक इन्फॉर्मेशन भी दे सकें। लेकिन ये हमेशा नहीं होगा, हम धीरे धीरे जो है हार्डनेस लेवल को बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच इज़ करेक्ट अबाउट H1B वीज़ा। H1B वीज़ा के बारे में कौन सा सही है? ऑप्शन ए है, यानी वन है, इट इज़ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा दैट अलाउज फॉरेन वर्कर्स टू वर्क टेम्परली, यह फॉरेन वर्कर को अस्थायी तौर पे काम करने की अनुमति देता है। ठीक है, परमिट देता है। दूसरा है, ए वर्कर विद H1B वीज़ा कैन लिव विद देयर अप टू 6 ईयर, 6 साल तक H1B वीज़ा होल्डर्स रह सकता है वहाँ पे US में। थर्ड है, H1B वीज़ा होल्डर्स कैन स्टे इन द US फॉर 60 डेज इफ़ दे लूज देयर जॉब, अगर जॉब जो है लूज कर देते हैं तो भी 60 दिन तक वहाँ रह सकते हैं। होता क्या H1B वीज़ा में कि वहाँ की कंपनीज या कोई इंडिविजुअल जो है स्पॉन्सरशिप लेता है। ठीक है, तो स्पॉन्सरशिप अगर ख़त्म हो जाती है तो भी आप 60 दिन तक वहाँ स्टे कर सकते हैं। और एक बात और बता दूँ यहाँ पे ICMR के बारे में, कि
कि जो आईआरएफए था, आईआरएफए जो है यहाँ पे, तो ये 1911 में, बच्चों 1911 में इस्टेब्लिश हुआ था इसका। तो इसीलिए जो है ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडीज़ है वर्ल्ड में, ठीक है, आईआरएफए 1911 में, ठीक है। और 1948 में जो है इसका नाम जो है आईसीएमआर पड़ा, पहले आईआरएफए था उसके बाद आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। तो ये बात बताना था आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए और देखिए, H-1B वीज़ा होल्डर्स कैन स्टे इन द US फॉर 60 डेज इफ़ दे लूज़ देयर जॉब। तो इसका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों से ही है, जैसा कि आप समझ गए कि मैं सारे ऑप्शंस करेक्ट वाला बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच इज़ करेक्ट इन द फॉलोइंग ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आपका सही है। पहला है क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स यानी राजनीति में आपका, एक मिनट, ठीक है, क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स जजमेंट वाज गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इन फरवरी 2020। फरवरी 2020 में राजनीति में जो अपराधीकरण का निर्णय है उसको सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में दिया था। ऑप्शन टू आपका, इट विल बी फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन बिहार इलेक्शन इन अक्टूबर 2020। अक्टूबर 2020 में जो बिहार में इलेक्शन होने वाला है उसमें ये पहली बार इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ऑप्शन थर्ड है, फॉलोइंग दिस ऑर्डर ईच कैंडिडेट हैव टू सबमिट देयर स्वर्न अफिडेविट गिविंग फाइनेंशियल एंड क्रिमिनल केसेस एज वेल एज टू द पार्टी, एज वेल एज इलेक्शन कमीशन, एज वेल एज टू द पार्टी। इन ये कह रहे हैं कि इस नियम के अंतर्गत जो है हर कैंडिडेट को एक शपथ एफिडेविट देना पड़ेगा, ठीक है, शपथ प्रमाण पत्र देना पड़ेगा जिसमें उसके फाइनेंशियल और उसके क्रिमिनल केसेस कितने पेंडिंग हैं, उसके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा। और उसके बाद साथ ही साथ पार्टी को भी देना पड़ेगा, ताकि पार्टी जो है अपने वेबसाइट पर डालेगी, सोशल मीडिया पर डालेगी और न्यूज़पेपर में इसको प्रकाशित करवाएगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है मैं दिखाता हूँ आपको, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2-3, ऑप्शन सी है 1-3 एंड डी है 1-2-3। तो जैसा कि आप सही सोच रहे हैं इसका ऑप्शन है डी, क्योंकि मैं ऐसा ही आज फ्रेम किया हूं, आज पहला दिन है कि तीनों करेक्ट हो जाए, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑप्शन आर करेक्ट अबाउट नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ क्रिमिनल MP इन रेस्पेक्टिव इलेक्शंस, ठीक है। इन 2004 24% मेंबर्स हैव केसेस अगेंस्ट देम, यानी क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम। 24% मेंबर 2004 के लोकसभा चुनाव में MP जो थे वो क्रिमिनल केस रखते थे। ऑप्शन टू है इन 2019 दैट वेंट अप टू 30%, 2009 के लोकसभा चुनाव में यह 30% हो गया, और 2014 में 34% हो गया, और अभी जो लोकसभा इलेक्शन हुआ 2019 में जिसमें मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इसमें 43% है। तो आप देख रहे हैं कि उत्तरोत्तर जो है आपके नंबर ऑफ क्रिमिनल MPs की संख्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। जैसा कि आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसका आंसर है डी, ठीक है ना। ये हमने एडिटोरियल से लिया है, जो 10 जुलाई के एडिटोरियल द हिंदू का है उसका है ये, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका, टिकटॉक एंड चाइनीज ऐप, यहाँ पे ये लिखना चाहिए था टिकटॉक इन टिकटॉक टिकटॉक 59 चाइनीज ऐप ब्लॉक्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ IPC। तो ऑप्शन ए है 69A, ऑप्शन बी है 70C, ऑप्शन सी है 90A और ऑप्शन डी है 5C। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है 69A, जो कि इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है ये, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। तो उसी के अंतर्गत टिकटॉक और 59 ऐप्स, यानी इंक्लूडिंग टिकटॉक्स 59 ऐप्स को भारत सरकार ने बैन किया चाइनीज के। क्वेश्चन नंबर 7, रिगार्डिंग प्लाज्मा विच ऑप्शंस आर करेक्ट। ऑप्शन वन है, प्लाज्मा इज लिक्विड पोर्शन व्हेन ऑल रेड वाइट सेल एंड प्लेटलेट्स आर रिमूव्ड। प्लाज्मा वह लिक्विड है जिसमें से रेड वाइट और प्लेटलेट्स जब रिमूव कर दिए जाते हैं तो जो बचता है उसे प्लाज्मा कहते हैं।
ऑप्शन टू है जो कि यूपीएससी का फेवरेट है, ईमिल बेहरिंग वाज फर्स्ट टू ट्रेड डिप्थीरिया। यूपीएससी अक्सर जो पहला होता है उसको जरूर पूछता है, तो ईमिल बेहरिंग वाज फर्स्ट टू ट्रेड डिप्थीरिया। ईमिल बेहरिंग जो थे वो डिप्थीरिया को क्योर करने वाले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्लाज्मा थेरेपी यूज करके और डिप्थीरिया के पेशेंट को ठीक कर दिया था, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ऑप्शन थर्ड है 500 ml ऑफ प्लाज्मा रिक्वायर्ड टू डिप इन द इंट्रावेनस ऑफ द पेशेंट। 500 ml प्लाज्मा जो है चढ़ाया जाता है जो भी पेशेंट किसी पर्टिकुलर वायरस से ग्रसित होता है तो सॉरी तो जैसा कि बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, इसका ऑप्शन है सी 1, 2, 3, बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 8। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB हैव फॉलोइंग एस्पेक्ट। ऑप्शन वन है इट इज स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये हमने PIB से लिया है जो 9 जुलाई के PIB में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, PIB का एक दिन पहले होता है, तो फिर ये हम 10 जुलाई में कर रहे हैं लेकिन ये 9 जुलाई का न्यूज़ है ये। ठीक है, इट इज़ स्टैचुएटरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन टू है इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1974। इसका स्थापना जो है 1974 में किया गया था। एंड थर्ड ऑप्शन इट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट पॉल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड बाई प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है, तो जैसा कि बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, इसका आंसर है डी, दैट इज 1, 2, 3, ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने PIB से लिया। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑप्शंस आर करेक्ट रिगार्डिंग मंगोलियन कंजूर। मंगोलियन कंजूर से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन वन है इट इज मैन्यूस्क्रिप्ट। मंगोलियन कंजूर एक मैन्यूस्क्रिप्ट है पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने प्रकाशित किया। बिल्कुल सही है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं अभी जो है शुरुआत है सब सही करके चल रहा हूँ। ऑप्शन टू है 5 out of 108 वॉल्यूम्स, 108 वॉल्यूम में से 5 जो है वेयर रीप्रिंटेड अंडर द नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट NMM, नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट के तहत जो है 108 में से 5 वॉल्यूम को रीप्रिंट किया गया। और थर्ड ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी रामनाथ कोविंद जी प्रेजेंटेड इट ऑन 4 जुलाई 2020, 4 जुलाई 2020 को 5 वॉल्यूम जो है पेश किए ऑन द ओकेजन ऑफ गुरु पूर्णिमा, जिसको हम धर्म चक्र डे भी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका ऑप्शन जो है आपका सी है, यानी 1, 2, 3 तीनों आपका सही है। ठीक है, देख सकते हैं फिगर में आप। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका विच स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज रेडी टू इम्प्लीमेंट टैप कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। तो आपका आंसर है मणिपुर, जैसा कि आप न्यूज़ में देख रहे हैं, ये आपका PIB का ही न्यूज़ है। ठीक है, और एक जो है टर्म है जो जैसे आप मेंस जब लिखेंगे तो टर्म का बहुत यानी शब्द का बहुत महत्व होता है मेंस के अंदर, तो FHSTC याद रखिएगा, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप होल्ड। देखिए फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, ठीक है ना, FHTC फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। ठीक है, तो मणिपुर सरकार ने जो है मणिपुर गवर्नमेंट ने जो है पूरी तरीके से प्रण कर लिया है कि हम 2020 और 21 तक जो है हर घर में बिल्कुल स्वच्छ जल, निर्मल जल जो है वो टैप के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये सेगमेंट आपको काफ़ी अच्छा लगा है, और अगर आप इसमें कोई सुधार चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।